हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि पानी नीला होता है, हरा होता है या फिर काला होता है, लेकिन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली हिलियर लेक में गुलाबी रंग का पानी देखने को मिलता है। लेकिन ये गुलाबी क्यों? क्या ये पानी हमारे लिए जानलेवा हो सकता है? ऐसे सवाल लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और ऑल पर क्लिक करें। हिलियर झील की खोज 1802 में मैथ्यू फ्लिंडर्स ने की थी। ये झील पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर मध्य द्वीप पर स्थित है। हिलियर झील काफी छोटी है, जिसकी लंबाई 600 मीटर और चौड़ाई 250 मीटर से अधिक नहीं है। ये एक भाग से यूकेलिप्टर और पेपरबैक जनजाति के पेड़ों से घिरा हुआ है। दूसरा भाग प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसका गुलाबी रंग सतह से देखने पर कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ऊपर से देखने पर बहुत रमणीय दिखता है। हिलियर झील अपने गुलाबी रंग से आपकी आंखों को प्रसन्न करता है। इसके अनूठे रंग का कारण अभी भी एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिकों द्वारा भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका गुलाबी रंग ड्यूनालीला सलीना माइक्रो एल्गे की उपस्थिति के कारण है। ड्यूनालीला कैरेटोनाइड्स पैदा करता है, जो गाजर में भी पाया जाता है। इसके गुलाबी रंग की और एक वजह बताते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी में पाए जाने वाले नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच प्रतिक्रिया से भी ये गुलाबी रंग हो सकता है। कुछ सालों पहले वे झील से नमक निकालते थे, लेकिन आजकल इसका उपयोग केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। झील का पानी बहुत साफ है और वे मानव त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ड्यूनालीला सलीना शैवाल भी पूरी तरह से हानि रहित है। वास्तव में झील के पानी में तैरना सुरक्षित और मजेदार है। क्या आप इस झील को एक बार मिलना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।